और जिनको जो भी पूछना होगा चैट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो रेज हैंड कीजिएगा, तो उनके जो माइक है मैं अनम्यूट करूंगा, फिर वो जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई नॉलेज बेस्ड नहीं है। आज हम यहाँ पे जो गैदरिंग हुए हैं आपस में एक कॉन्वर्सेशन के लिए कि आपका डाउट क्या है, और किडनी के इश्यूज को हम थोड़ा सा और एलाबरेट करेंगे, और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप सब यहाँ पे बताएंगे, तो वॉइस नहीं आ रहा है। तो आपका चेक करिए, आपका म्यूट और शायद आप कर दिए हैं, चेक कीजिए। हैं उन उन सबको वेलकम टू जेपी नेचर क्योर, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की नाम है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड न्यूट्रिशन, INN इन करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया ये सेपरेट है, हिम्स से सेपरेट है, ठीक है। हिम्स जो है वो हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे हम काम करते हैं, और वर्चुअली हम मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे टीम है, डॉक्टर की टीम है, कुछ फॉरेन से भी डॉक्टर हैं, हम जैसे इंडिया से हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होम्योपैथ एक्सपर्ट्स कुछ हैं, और खुद एलोपैथ्स भी हैं कुछ, और एलोपैथ डॉक्टर भी खुद पेशेंट हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन करके, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड न्यूट्रिशन, उसका मेन फोकस है कि लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के ऊपर, यानी टुडे सिनारियो में क्या क्या सब हो रहे हैं इस सब के बारे में लोगों को बताना, डाइट के ऊपर बताना, ट्रीटमेंट के ऊपर बताना, कुछ नए टेक्नोलॉजी अगर आए हेल्थ के फील्ड में तो उसके बारे में बताना। जैसे अभी हार्ट डिजीज ले लीजिए, हार्ट डिजीज में नॉर्मली क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपको तो पता ही है, मैं ज्यादा यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। जैसे हार्ट डिजीज में ट्रेडिशनली क्या किया जाता है कि टेस्ट करने के लिए, कि आपको मान लीजिए हार्ट में पेन हो रहा है, मेरा लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, बहुत जोर से पेन हो रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, तो मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैं जब टेस्ट करूंगा ना, तो पहले एंजियोग्राफी होता था, यहाँ से काट के फिर एक वायर जो है, बहुत पतला वायर जो है हार्ट तक लेके जाना होता, ठीक है। उसमें रिस्क रहता था, इंसान मर भी सकता है वो बेड पे ही, और बहुत सारे खून भी लसेस होता था, और 3 4 दिन 5 दिन ऐसे लगता था वो, ठीक है ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, बहुत पैसा भी 20 25 30 हज़ार खर्च होता। बट आजकल देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट, अगर आपको पता नहीं है तो ये भी आप जान लो, यानी एक मशीन होता है, एक कंप्यूटराइज, तो आप जब लेटोगे तो ये आपकी चेस्ट के ऊपर जो है एक डाई आपको इंजेक्ट कराएंगे वो वगैरह, तो फिर बाद में आपकी चेस्ट के ऊपर एक्सरे होगा, तो उससे पता चल जाता है, और वो एक्यूरेट भी है जो ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी होता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को जो कराने जा रहे हैं उनको मना भी कर सकते हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं कि आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करो, और उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 6 7 8 हज़ार में हो जाए, यहाँ पे 30 हज़ार, फिर डेथ का रिस्क, और क्यों ये सब लेना, आप उनको ये बता सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं, और लोगों को सिखाते हैं कि वो लोग दूसरे को सिखाएं, ठीक है। और ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं और फेसबुक पे हैं, वो पूछते हैं कि सर फिजिकल सेंटर कहाँ पे, ठीक है। हम तो ऐसे ही जितने भी सारे लोग आते हैं हिम्स से ही आते हैं, और हिम्स में ही आप उनको भेजते हैं, पर लोगों को एजुकेशन देने के लिए हमारे जो भी एक इंस्टीट्यूट बन रहा है लोकल में बन रहा है, वो मैं जब बन के रेडी हो जाएगा, अभी 3 4 महीने में हो जाएगा, तो मैं आप सबको बताऊंगा। चलिए आज हम किडनी के रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे किडनीज के पेशेंट हैं, मैं एक बार चार्ट थोड़ा देख लेता हूँ। यस ओके, यहाँ पे हमारे किडनीज के पेशेंट हैं, और किडनी डिजीज में आपको पता ही होगा, जैसे BRCC की आप बहुत सारे वीडियोस तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे हमारे ग्रैट प्रोटोकॉल, ग्रैट प्रोटोकॉल यानी आप सबको पता है, हार्ट अटैक इमर्शन थेरेपी यानी जो वास्तव में हम करते हैं, फिर SGT, SGT यानी हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। हाँ, SGT एक चीज ये है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी 140 150 से ज्यादा है, तो वो लोग जो है SGT नहीं करेंगे, ठीक है, और हेड डाउन टिल्ट नहीं करेंगे, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा।
और पाउडर इमर्शन सब कर सकते हैं, और स्पेशली जिन लोगों का अगर फिस्टुला बना हुआ है, नेक में बना, डायलिसिस कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट जनरली कर सकते हैं, सब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो बॉडी का कितना सपोर्ट वो कर रहे हैं उसी हिसाब से कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट से बढ़ा के 2 घंटा लेके जाइए। अगर आप एक टाइम में 2 घंटा नहीं कर सकते, सुबह शाम कर, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किडनी पेशेंट, कुछ बता नहीं सकते। कुछ ऐसे भी हमारे पेशेंट हैं शायद यहाँ पे ज्वाइन हुए होंगे, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट है जिनका कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ रहा है, मतलब आज मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, पेट में पानी जम रहा है, 2 दिन में पेट तो ठीक हो जाएगा, फिर चेस्ट में पानी जमेगा, या उनको जो है लेग में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, बैक में जोर से पेन होगा, हार्ट तक पानी आ जाएगा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन हर किसी को नहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेशन जो है आपको मतलब 100-150 में से एक दो पेशेंट को होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लो उनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा, कोई भी ग्रार्ड प्रोटोकॉल कुछ काम नहीं करेगा, उनके लिए बस एक ही चीज काम करेगा, पता है क्या है, वो है धुआं एंड मेडिटेशन और प्राणायाम। ये सब वो करेंगे तो उनको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। और अभी जनरल चीजें मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने सुबह हाँ 6 बजे से पहले ही उठना है, और बेड पे ही उठकर, जैसे मान लीजिए मैं उठा बेड से, बेड पे ही बैठ के आप क्या करेंगे, पहले गॉड को थैंक यू करेंगे, फिर बाद में कुछ अप्रिसिएशन खुद को देंगे या कुछ संकल्प आप खुद को देंगे, ठीक है। क्योंकि उठते मतलब आज मान लीजिए 5 बजे आपने उठा, 5 से 5:05 तक यानी 5-10 मिनट उठते ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो ब्रेन है, वो एक्टिव रहता है, तो ये बेस्ट टाइम है आपकी किडनी को हील करने के लिए। आप एक थॉट्स दो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे मेरे किडनी ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बहुत ही कूल फील कर रहा हूँ, बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ, हर परिस्थिति में समान रहता हूँ, ऐसे अगर फील आप करेंगे, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ही शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अगर ऐसे करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जा रहा है, ठीक है। ये बेस्ट काम करेगा, आप करके देखिएगा तो होगा, और नहीं ऐसा नहीं होगा, करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। फिर ये आप करने के बाद फिर आप फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद, हाँ फ्रेश होने से पहले आप जितना हो सके 100 ml हो या 80 ml हो, जितना हो सके नींबू थोड़ा निचोड़िए पानी में, गुनगुना पानी हो आप पीजिए, तो फिर फ्रेश व्रेश हो जाइए। हो जाने के बाद आपकी योगा एंड प्राणायाम वगैरह जो आप करना है, हम पूरा चार्ट हमारे हैं कौन से आसन स्पेशली किडनी पेशेंट को करना चाहिए, और डीप ब्रीदिंग में कौन सा डीप ब्रीदिंग आपको करना चाहिए, वो सारे जो है हम बता ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। और आप अगर रजिस्टर नहीं किए हो तो करके वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आप फिर अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, और ब्रेकफास्ट में फ्रूट फ्रूट में ट्राई करें, बहुत सारे लोग मैं देखा कि बनाना बनाना खा लेते हैं। देखिए फ्रूट्स तो है, बट आपका पोटेशियम अगर बढ़ रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा नहीं खाइए, क्योंकि पोटेशियम जो है सबसे दिक्कत यही देगा। लोग सोच रहे क्रिएटिनिन प्रॉब्लम करता है, क्रिएटिनिन इतना प्रॉब्लम नहीं करता, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जिनका क्रिएटिनिन 25-30 तक हो, वो मरे नहीं है, अब तक जिंदा है, बेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि वो दूसरे पैरामीटर्स को कंट्रोल कर ले, क्रिएटिनिन का धीरे धीरे फिर कम होगा, बट क्रिएटिनिन के पीछे मत भागिए। हाँ वो तो बढ़ रहा है, वो टेंशन है, बट इतना भी नहीं, सबसे जो जरूरी है किडनी पेशेंट को पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पोटेशियम बढ़ गया तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, पानी को रिटेन करी जो आपकी मसल्स है उनको स्टिफ बना देता है, ज्यादा पोटेशियम होगा तो हार्ट में क्या मसल्स तो है वो स्टिफ बन जाएगा, तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है, और हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ठीक है। करूँ स्टार्ट ब्रेकफास्ट? नो नो नो, ब्रेकफास्ट में कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना है। जिन लोगों का डाउट है पूछते रहिए और मैं आंसर देता रहूंगा, और डाउट मतलब जिन लोगों को किडनी पेशेंट हो वो लोग बिल्कुल भी जो मॉर्निंग है ब्रेकफास्ट है वो कुक रूम में नहीं स्टार्ट करेंगे। फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, क्योंकि आपको फ्रूट्स खाना है, उसमें लाइव एंजाइम्स है, वो आपको किडनी को हील करेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंट
11 को, शायद 11 को हुआ था ना हमारा जो दिल्ली में वीआरसीसी प्रोग्राम हुआ था। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाया, सॉरी इसके ऊपर टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं बनाया हो, तो इस रिगार्डिंग में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो पानी का इशू है ना, गैलेक्सी A03, आप अपना माइक चेक कीजिए तो साउंड आ जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि इसमें पानी के ऊपर ज्यादा बात हो रहा था, अल्कलाइन वाटर यानी नेचुरल वाटर। ठीक है, पहले हम मैजिकल वाटर के बारे में जानते थे, अभी नेचुरल वाटर, लाइफ वाटर जिसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, केमिकल स्टार्ट। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, पानी का जो इशू है, पानी में, अब पानी में क्या हो रहा है कि आप अभी जो भी पानी पी रहे हो जनरली एसिटिक ही है, क्यों? क्योंकि आप सब आरओ की पानी पी रहे हो। ठीक है, आरओ का पानी एसिटिक है। जो लोग गांव में रहते हैं अंडरग्राउंड से डायरेक्ट वो लेके पी रहे हैं वो अच्छा है, बट उसमें ये कंडीशन है कि बहुत सी जगह पे अभी ना वाटर लेवल कम हो गया, तो इसके कारण से आपको तकलीफ ये होगा कि टीडीएस पानी में ज्यादा आएगा। टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट जो है टीडीएस उसको बोला जाता है। मान लीजिए आपके पानी में 150 से 200 तक टीडीएस, 250 तक टीडीएस आप इजिली डाइजेस्ट कर सकते हो। अभी क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस सबका बिगड़ा हुआ है तो पानी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आप लोगों का, टीडीएस ज्यादा होगा। जैसे 300 400 होगा तो नहीं होगा, वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है 300 350 400 तो का पी सकते हो। ठीक है, वो थियोरिटिकली अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हो गया, आप अभी जितने भी पानी पी रहे हो सब 100 के अंदर अंदर उनका टीडीएस। आप लोग अगर टीडीएस अपना बढ़ा भी दोगे ना तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। सबसे बेस्ट तरीका है पानी को अल्कालाइन बनाने का, क्या है, मैं एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है बैनर में दिखा हुआ, लास्ट में फोटो डाल दूंगा यूट्यूब पे, जब ये वीडियो डलेगा ना तब देख लेना, एडिट करके वो डल जाएगा। ठीक है, मेरा काम स्पेशली कुछ साल पहले, 4 5 साल पहले ओनली अल्कालाइन वाटर के ऊपर था। नहीं, बिस्लेरी वो फालतू का पानी है, जितने भी कंपनी का आप नाम ले, बिस्लेरी लो, एक्वाफिना लो, पूरा एकदम फालतू का पानी है। अगर आप मरना चाहते हो तो उस पानी को पियो, ठीक है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो वो पानी को बिल्कुल भूल जाओ। आरओ वाटर तो एकदम खराब है, फिर भी वो बिस्लेरी ये सारे लोगे तो और ज्यादा खराब हो, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज पूरा हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे पास अभी एक चार्ट था, मैं दिख रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे चार्ज, ठीक है, नहीं मिल रहा है अभी। उसमें क्या है कि आप अगर अल्कालाइन वाटर नहीं पियोगे ना, एसिटिक वाटर पियोगे, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्लस्टर होता है पानी का, जो मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 5 to 8 पर क्लस्टर। क्लस्टर यानी क्या होता है, एक माला टाइप होता है ना, उसमें 5 to 8 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं जो अल्कालाइन वाटर में होता है, वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। जो आपकी एसिडिक आरओ वाटर होती है उसमें 15 to 18 कुछ ऐसा रहता है, यानी उसका पीएच 5.8 6.5 6 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके घर में आरओ है तो जो सर्विस इंजीनियर है उसको बुलाओ, बुला के बोलो कि भाई ये इसको सेट करो 120 के ऊपर सेट करो, 120 30 50 ऐसा कुछ सेट करो। और रनिंग वाटर जो मैंने वही बोला है, आप रनिंग वाटर पियो, जो भी पानी आप पीना चाहते हो पियो, उसका टीडीएस हमेशा 150 200 के ऊपर होना चाहिए। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो अभी, क्योंकि अभी हमारे लाइफ स्टाइल सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो हम लोग इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाए वाटर। तो अभी एक ही सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, आप आरओ लगाओ, लगाओ पानी को 150 तक लेके आओ। ठीक है, और 150 तो इजिली आ जाएगा आरओ में, आरओ में तो बहुत ही कम कर देते, बट ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि थोड़ा बिटर टेस्ट कर रहा है पानी को, आरओ पानी वो पी रहे हैं, वो पीने से बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। ठीक है, जितने भी आपकी कैल्शियम है आयरन है वो डिटोरेशन होने लगेगा। ठीक है, और टीडीएस, ठीक है, टीडीएस ऐसा बोला गया है कि टीडीएस आप 100 से 150 में रखो, और उसके साथ एक अल्कालाइन कार्ट्रिज लगाओ। अल्कालाइन कार्ट्रिज में आप सबसे बेस्ट कंपनी की मैं नाम लेना चाहता हूँ। आप अभी मैं किस मशीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अभी कैंट के लगाए हो, एक्वागार्ड के लगाए हो, एक्वाफिना, ऐसे बहुत सारे कंपनी आती है, अगर उनका फिल्टर आप लगाए हो तो आप इसको जान लो कि आपको एक अल्कालाइन कार्ट्रिज लगाना पड़ेगा। वो लोग अल्कालाइन कार्ट्रिज नहीं देते हैं,
अभी बातचीत चल रहा है मेरा एक कंपनी के साथ, अगर वो राजी हो जाता है कम प्राइस, और क्योंकि उसका प्रोडक्ट को मैंने ट्राई बहुत सालों से किया है, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको लेकर ट्राई करो, और पॉकेट के लिए भी वो अच्छा, ज्यादा प्राइस नहीं है, और एक कार्ट्रिज है बस, उसको ले लो, जो सर्विस इंजीनियर है उसको बुलाओ और वो लगा लो आपके फिल्टर में। तो अल्कालाइन वाटर आप पियोगे, यानी लगभग 7.58 के बीच में पीएच वैल्यू होगा, और वो लगभग 1 साल 1.5 साल तक आराम से चलेगा, अगर आपके घर में 3 4 5 आदमी है। और अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म पानी तो पी सकते हो, बट गुनगुना पानी पियो, ज्यादा गर्म नहीं पियो, ठीक है, गुनगुना पानी पियो। और इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं डिटेल में, अभी उसे स्क्रिप्टिंग चल रहा है, स्क्रिप्टिंग एक बार कंप्लीट हो जाए तो ये वीडियो मैं चैनल में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जब भी ना चेक किया जाके आप देख लेना, पानी के ऊपर है, यानी कौन सा पानी पीना चाहिए। आप बहुत सारे लोग बोले कॉपर वाटर, कॉपर वाटर अच्छा है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 महीना आपने पी लिया, फिर 15 दिन या 20 दिन गैप दो, फिर पियो, जिसको आप स्ट्रक्चर वाटर बोलते हो। पर सबसे जो बेस्ट है किडनी डिजीज में अल्कालाइन वाटर, अगर आप एसिडिक वाटर भी आप डालोगे कॉपर में तो कोई फायदा इतना है नहीं, ठीक है, अल्कालाइन वाटर लो। तो फिर भी कुछ लोग नेचुरली अल्कालाइन बना सकते हैं, जैसे हमारा मेजिकल वाटर था, या कुकुम्बर को लेंथ वाइज कट करके, या तुलसी 7 8 पीस डाल के रात भर रख दो तो वो भी थोड़ा बहुत हो जाता है। पर सबसे बेस्ट तरीका है ये अल्कालाइन कार्ट्रिज। अल्कालाइन कार्ट्रिज यानी आपको मैं कैसे बताऊं, ये मान लीजिए ये मोबाइल है, ये जैसे एक पूरा मतलब बोटल सेट, ठीक है, बोटल सेट में 8 इंच का आता है, 11 इंच का आता है, इतना बड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, तो ये पूरा इस साइज का होगा, ठीक है। आप लेके इसको लगा दो, आपने बोलोगे तो इंजीनियर को आके लगा देगा, उसमें जो पानी फ्लो होगा ना, जो VRCG का एक रिसेंट वीडियो आया है आप देखे होंगे, चारकोल, यानी जो ऊड का, ऊड में से सबसे बेस्ट चारकोल है आपका, जो नारियल का ऊपर का जो होता है ना वो वाला, कोकोनट सेल जिसको हम बोलते हैं, कोकोनट सेल जो है वो अगर आपके एरिया में मिल रहा है तो उसको लेके लो फ्लेम पे, उसको जैसे अंगार हो जाए ना, अगर उस तरह का बना के फिर उसको पूरा पाउडर बना के अगर डालेंगे तो उसके थ्रू जो वाटर जाएगा वो बेस्ट एब्जर्ब करता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रिसर्च है पूरा जबरदस्त। तो मैं बिजी रहने के कारण पेशेंट के साथ अभी तो मैं डाल नहीं पा रहा था, मेरा टीम इसके ऊपर काम कर रहा है, बहुत जल्दी आप सबके लिए वीडियो लाएंगे हम लोग, और इससे अगर बनेगा तो बेस्ट होगा। और ये जो मैं अल्कालाइन कार्ट्रिज की बात कर रहा हूँ, इसमें ये सब है, और मैं आपको वो रेकमेंड भी करूंगा, कंपनी के साथ 1 2 दिन में फाइनल हो जाएगा, और हम लोग एक ई स्टोर बना रहे हैं जहाँ पे जाके आप अपना बहुत सारी चीजें ले सकते हो, क्योंकि देखिए मेरा कोई मेडिसिन बेचना मेरा काम नहीं है, मैं ओनली आपको ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट दूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा, बट वहां पे जो लोग ढूंढ नहीं पाते, जैसे गोखरू है, बहुत सारे लोगों को गोखरू नहीं मिला है, ओरिजिनल गोखरू नहीं मिल रहा है, पुनर्नवा नहीं मिल रहा है, और वो लोग पी नहीं पा रहे और मुझे पूछते हैं, मैं फिर ढूंढता हूँ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना, पर सबसे बेस्ट यही है पुनर्नवा गोखरू, आप सबके लिए वरदान है, ठीक है। और इसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ मैं डालूंगा वहां पे, जैसे मैंने कुछ बनाया था आप सबके लिए, कुछ छोटा मोटा इधर उधर करके मेडिसिन आपके लिए, जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, और सबसे बड़ी चीज जो पेन हो रहा है ना, पेन ऑयल, और कुछ गोखरू है, मिलेट्स है, और आपकी मिलेट्स अभी प्राइस बहुत ज्यादा है, आपको शायद पता होगा, जो मिलेट्स अभी सिद्धान्य मिलेट्स, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो, फॉक्सटेल एंड लिटिल मिलेट्स, ये पांच हो गया आपका, पांच जो है आपकी आपकी सिद्धान्य मिलेट्स है। तो सिद्धान्य मिलेट्स जो है ना अभी प्राइस बहुत ज्यादा है, कहीं पे 250 रुपया केजी, 300 रुपया केजी मिल रहा है, ठीक है, अगर आप 1 1 केजी हर किसी का लोगे तो 5 केजी 1500 हो गया, यानी किडनी डिजीज में अगर आप फंस गए तो पैसा पूरा जाएगा, बट मैं चाहता हूँ आपको ना जाए, ठीक है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह फल खा लो, जो मिलेट्स है आप लंच में रखो, मेरा डाइट चार्ट ऑलरेडी जो पेड पेशेंट है हमारे उनको मिला हुआ है, तो आप चाहते हो तो ओनली डाइट चार्ट भी ले सकते हो, नहीं तो गाइडेंस एंड ट्रेनिंग हमारे से ले सकते हो, मैं बहुत सारे पेशेंट को भी गाइड करता हूँ, और भी मेरे टीम है जो डॉक्टर्स हैं वो सब भी गाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कर लो, और मिलर्स में सिद्धान्य मिलर्स लो तो अच्छा रहता है, अमली लो, बट एक चीज के ध्यान रखना, ये जो बारिश का मौसम में अमली मत ले, ठीक है, बहुत सारे अभी चाट आ गए हैं, एक बार मैं चाट ले लेता हूँ, और रिपीट द नेम, सर स्टोमक में पानी स्टोर हो गया तो क्या करे, कोई खराब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन,
रिस्क क्या है पेट में? देखिए पानी, जो पेट में पानी जम जाता है ना, ये जनरली होता ही होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका किडनी जो है पानी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, इस कारण से पानी जो है पेट में, कभी लंग्स में, कभी हार्ट के पास भी चला जाता है, और ये जो है ना आपकी लेग में भी हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो उसमें भी पानी को रिटेन करके रखता है और फिर लेग में चला जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और लेग अगर फूल गया तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करो तो उसमें कम होगा। और एक चीज यहाँ पे मैं बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन देना चाहता हूँ, जो हमारे किडनी पेशेंट हैं अभी, तो वो आप करिए तो पानी आपका किडनी नहीं रोकेगा। क्या है कि इसको बोलते हैं क्वाथ प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, आप 4 लीटर पानी को उबालो जैसे कि वो 1 लीटर बन रहा है, ठीक है। अगर सबसे उसमें थोड़ा सा आप 1 चम्मच करीब गोखरू पाउडर मिला देते हो और भी बढ़िया, पतंजलि का मिल जाता है इसलिए आप कर दो, नहीं तो फ्रेश गोखरू अगर मिलता है वो भी डाल, ठीक है। अब 4-5 करीब डाल दो, वो बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। 4 लीटर पानी को उबाल करके 1 लीटर लेके आओ, और 1 लीटर में आप ठंडा कर लो उसको, दिन भर में जितने बार पीना चाहो पी। अभी कुछ हैंड्स रेज हुए हैं और उनका जो है ना, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उन सबको, तो क्वेश्चन पूछ ले एक एक जिन करके। लोगों को मैं दिया हूँ। यस मैम। हाँ सर वो मेरे पति को ना हो, मतलब अभी आज ही हम लोग आपका ये मतलब ज्वाइन किए हैं। हेलो। यस आप बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, तो उनको बताना जी। गैस और एसिडिटी ज्यादा लगता है, क्या हो रहा है, आप में बोलिए तकलीफ अच्छे होता है से। यार यस रात में खाने में। बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए, जोर से बोलिए, सुन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। खाली खेत में जैसे गैस फूल भर गया है जैसा लगता है, खांसी होता है, एसिडिटी होता है, रात में सो नहीं पाता हूँ। ओके, जनरली ये किडनी पेशेंट को होता ही है, क्योंकि खाना ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पेट फूलेगा और पेट में पानी भी जम रहा है, तो इसमें जनरली होता ही है। और मैं ये सलाह ये दूंगा कि आप हमारे जो गाइडेंस हैं, जो ग्रैड प्रोटोकॉल है, और भी हर्बल मेडिसिन्स हैं, योगा प्राणायाम एंड मेडिटेशन एक्यूप्रेशर है, वो सबको फॉलो कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और पेट फूलने का जो टेंशन है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली करना चाहे तो हमारे जो 3 स्टेप स्टोमाक प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कुछ चीजें हैं मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप हमारे ग्रुप में तो जरूर ऐड होंगे, तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको। पेट फूल रहा है तो क्या करें, ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपना अपना सर और क्वेश्चन डाइट क्या पूछिए। आपको हिंदी में थोड़ा भेजिए सर। देखिए मैम, डाइट जो है सबके लिए अलग अलग है, आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि इसका हिंदी का मीनिंग क्या है, नहीं तो हम डाइट के मैंने यही ऊपर। पूछा, जैसे कि वेजिटेबल वेजिटेबल सूप बोला है तो उसमें क्या क्या वेजिटेबल का सूप यस, लगेगा, आपको एक काम क्या का किया आइटम्स जाएगा, रहेंगे। आप सबके लिए एक स्पेशल क्लास फिर से अटेंड मतलब मैं कराऊंगा, जिसमें आपको डाइट के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा, यानी डाइट चार्ट में जो जो लिखा गया है सारे चीजों के ऊपर पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से डाइट कर सको, ठीक है। और सबके लिए एक एक क्वेश्चन में लूंगा, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं ले पाऊंगा, तो काइंडली सबको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अपना एक एक क्वेश्चन पूछिए। मैम आप चाहो तो अपना म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, और किसी को अगर पूछना क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, तो हमारे पास। हेलो यस यस सर, सर, संजीव पटेल बात कर रहा हूँ यस दुबई से। बोलिए। सर वीकनेस इतनी ज्यादा है कि मैं जैसे मतलब चल भी नहीं पा रहा हूँ, और यस, मतलब अगर सीधे खड़ा होकर चलता हूँ तो चल ही नहीं पा रहा हूँ। चक्कर आ रहा है, चक्कर नहीं सर, वो कमर में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि लगता है कि झुके झुके चलूँ, यस यस, तो एक काम और करिए। हाँ वीकनेस मैं इतना ज्यादा हो गया है सर, मतलब ओके कुछ ओके 70 kg वजन था तो अभी 39 हो गया है। ओके, एक काम करिए, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, उसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, तो आप वो करेंगे। बाकी आप एक कर सकते कुछ चीजें, आंवला अश्वगंधा, फिर आपका गोखरू गिल, ये आपका गिलोय पुनर्नवा, ये सब चीजों को आप लेके
सेम अमाउंट में 3-4 ग्राम ऐसे लेके फिर उसको उबाल के आप ले सकते हो, ये रिजल्ट्स आपको अच्छा देता है। बट आपके केस में एक्यूरेट क्या हुआ है, क्योंकि किडनी केस में ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये ले लो खा लो, नहीं होगा। किडनी केस में हर किसी को अलग अलग करके बोला जाता है कि आपका सिम्टम क्या है, ठीक है। पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, नंबर जो है ठीक है, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप कॉल कर लेना। और किसका डाउट है आप पूछिए, को क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो फिर मैं हेलो, यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब असाइटिस की प्रॉब्लम, डायलिसिस कराने के दूसरे तीसरे दिन पेट में पानी स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, यस और देन उसके बाद चेस्ट में जमा होने लग जाता है, और डायलिसिस में इतना ज्यादा पानी निकाल दिया है कि जहाँ वेट 50 था आज वहाँ 43 हो गया है। हाथ पैर तो सूख गए हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था वो सूट आउट नहीं हो रहा है। हॉट वाटर इमर्सन अगर करते भी हैं, एक सपोज दैट अगर अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पहले भी हॉट वाटर इमर्सन किया जाता था तो उस समय क्या होता था, पेट और फूल जाता था, मतलब आराम नहीं मिल रहा था। यस, मैं जैसे बोला है कि कुछ पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि 100-200 पेशेंट में एक दो पेशेंट को तो ऐसा ही होगा। अगर उनको आराम नहीं मिल रहा है बहुत सारे चीजों से, तो फिर एक ही चीज उनको बच जाता है, यानी मेडिटेशन करना, दुआएं और प्राणायाम आसनस। बाकी मेडिसिन जैसे मैंने बोला, वाटर को कंज्यूम करने का जो प्रोसेस मैंने बोला, 5 प्रोसेस ऐसे ही उनको दीजिए गोखरू डाल के, ठीक है। और कुछ ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़िए, और अपने हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि किडनी केस थोड़ा डेलिकेट केस है, ये और डिजीज की तरह नहीं है, ठीक है। हम सब कुछ देखिए, ये जो हम अभी करा रहे हैं ना पेशेंट को, ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में किसी में ट्रीटमेंट है ही नहीं। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली सर क्या है कि ना, वाटर भी बितर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है पीने में, और यूरिन का आउटपुट अप्रोक्स वही 120 ml टू 130 ml के आसपास है। देखिए, जो वाटर बोल रहे हैं, मैं जैसे आपको बोला कि आप नॉर्मल वाटर को, 4 लीटर वाटर को उबाल के 1 लीटर बनाओ, ये इजीली डाइजेस्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो किडनी रोकेगा नहीं, बट उसमें गोखरू भी डाल, ठीक है। 1 लीटर करना, 4 लीटर वाटर को 1 लीटर करना, 1/4 रह जाए, 5 प्रोसेस बोला जाता है, इसी हिसाब से करके थोड़ा थोड़ा देना, 80 ml एक साथ में, 100 ml से नीचे, ठीक है, वो दे रहा तो उसमें फायदा होगा। ऐसे नॉर्मल वाटर आप दे रहे थे, ऐसे इस वाले वाटर को दीजिए, तो ये वाला वाटर ठीक है, थोड़ा ज्यादा फायदा हेलो। करेगा। तो इसमें मैनेजमेंट की जरूरत है। देखिए किडनी केसेस में क्या हो रहा है दोस्तों, कि मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। यहाँ पे तो मेडिसिन कुछ है नहीं, अगर आप एलोपैथी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है एलोपैथी काम नहीं करेगा। एक चीज है, जो पेशेंट अभी कैल्शियम ले रहे हैं, सबको लिए मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम अगर आप ले रहे हो तो मत लो सिंथेटिक कैल्शियम, आप नेचुरल कैल्शियम लो, नहीं तो फिर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कैल्शियम और पीटीएच जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी बिगड़ेगा, ठीक है। और पीटीएच अगर यहाँ पे किसी को है, हमारे एक पेशेंट है जिनको पीटीएच, बहुत पुराने पेशेंट है हमारे, स्टार्टिंग में आते पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, और मेडिसिन इसमें इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी एलोपैथी दवा नहीं काम। और एक कुछ कुछ लोग हैं जो बोल रहे सर नॉन वेज क्यों किया, अरे ये उसमें प्रश्न ही क्या होता है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेना है, दूध की प्रश्न नहीं लेना है, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप सबके लिए गोखरू पुनर्नवा बेस्ट तरीका, ठीक है। और ब्रेस्टलेस और हो तो प्रोन पोजिशन में लेट के, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फैन लगा दीजिएगा तो इसमें ब्रेस्टलेस हल्का हो जाएगा। फिर लॉन्ग्स अगर प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार खाली पेट इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आप हल्दी लीजिए सुबह शाम, तो आपको फायदा करेगा, ठीक है। हेलो और यस मैम, हेलो यस मैम बोलिए। हाँ सर, सर एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चन है। मेरे पापा किडनी पेशेंट है, यस उनका अभी सीरम पोटेशियम है 5.25। यस ओके, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय ब्लड यूरिया? यस ब्लड यस यूरिया मैम, मेरा देखिए 53 एजुकेशन, पॉइंट फाइव है। यस मैम, हाँ एजुकेशन के लिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, धीरे धीरे वहां पे एजुकेशन दिया जाएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये प्रोटोकॉल को आप फॉलो कीजिए, इसमें आपका सलूशन मिलेगा। और अगर ज्यादा गाइडेंस की सर जरूरत है, यस एक्चुअली मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है ठीक अभी है, तक, आप एक मैं नंबर इसीलिए। नोट कर लीजिए, ओके 9090 यस 2732 67, ये नंबर से आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक
बाकी ये जो वीडियो है अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। आपने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बोला है वो रिपीट करो ना मेरे लिए। ये है गोखरू और कुनकुना नवा, आपके लिए बेस्ट होगा किडनी पेशेंट। और अभी टाइम जो है, गोखरू यस, गोखरू और पुनर्नवा दोनों, और भी बहुत सारे हैं बट ये दोनों बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। और भी सेशंस आएंगे, एक बार फिर से बोलो, गोखरू एड, गोखरू एंड गोखरू एड। पुनर्नवा, गोखरू एंड पुनर्नवा, ठीक है। और यहीं पे सेशन एंड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप सबका रहेगा नेक्स्ट में हम लेंगे। चैट बॉक्स में नाम डालो ना गोखरू एंड, यस, मुझे आपको एक बार, प्रोनाउंसिएशन आ रहा नहीं उसका। ओके, गोखरू पुनर्नवा यस, गोखरू एंड पुनर्नवा, गूगल पुनर्नवा, पे एक सर्च करेंगे पिक्चर तक मिल जाएगा आपको। ओके ओके यस, आपको मैं सेंड कर दिया है, आप सब चेक कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तो इजाजत दीजिए, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम उठाएंगे, और आप सबकी जो है पार्टिसिपेंस इसमें चाहिए, तो आप सबकी क्वेश्चन हम हल कर सके। और अगर किसी को ट्रीटमेंट जो है डिटेल में जानना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक्स दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।